हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट और सब्सिक्वेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका बेल दिया है उसके बारे में बात करूंगा। एक लीगल प्रिंसिपल है कि जो भी लॉज होते हैं उनको बनाने के बाद उसको पब्लिक तक पहुंचाना, कि लॉज के बारे में पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन का। और दूसरा, देयर शुड बी सम डिटरेंट सो दैट लोग गलत काम, इलीगल काम या ऑफेंसेस ना करें। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब कोर्ट्स को कोई भी क्रिमिनल मैटर डिसाइड करना है या सिविल मैटर डिसाइड करना है, तो फैक्ट्स के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए और दूसरा उसके बाद लॉ क्या है उसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। अब इस पर्टिकुलर केस में डिजाइनर के पैसे अर्नब गोस्वामी ने देने थे या नहीं देने थे, इसी के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं। तो जब बेल एप्लीकेशन होती है तो जो एलिगेशंस होते हैं उसके जो फैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर पहले तो स्टेटमेंट होना चाहिए एक्यूज का, और दूसरा उसके एविडेंस के बारे में नहीं बात कर रहा, एक स्टेटमेंट होना चाहिए और वो स्टेटमेंट जो है एफिडेविट के ऊपर होना चाहिए, उसको कंसिडर करने के बाद ही बेल एप्लीकेशन डिसाइड होनी चाहिए। दूसरा चीज क्या है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट में आया है कि जस्टिस ना सिर्फ करना चाहिए बल्कि वो पब्लिक को दिखना भी चाहिए कि जस्टिस कर दिया गया है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में पब्लिक के समझ में ही नहीं आता कि हाई कोर्ट ने क्यों रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अलाउ किया। जो पब्लिक को समझ में आता है वो एक ही इंफॉर्मेशन है कि पॉलिटिकल वेंडेटा था जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया और वो पॉलिटिकल ही एंगल था जिसकी वजह से उसको छोड़ दिया गया। तो ये एक गलत मैसेज पब्लिक को जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्स का क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरा लॉ के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर किसी ने किसी के पैसे नहीं दिए और वो मनी मैटर है और वो बाद में सुसाइड कर लेता है तो जो जिसने पैसा देना है उसकी क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या उसको एक क्रिमिनल सेक्शन के अंदर एक ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है या नहीं। परंतु जब तक फैक्ट्स पब्लिक को क्लियर नहीं होंगे, आज की डेट में आप एक कॉमन आदमी से पूछिए क्या मैसेज गया है कॉमन आदमी को कि ये सारा पॉलिटिकल गेम है एंड देयर इज नथिंग मोर देन दैट। स्टेटमेंट जब तक एक्यूज स्टेटमेंट नहीं करता बेसिक फैक्ट्स के बारे में बेल तो डिसाइड ही नहीं होनी चाहिए। अब एक कॉमेडियन ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल बोल दिया गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को एडमिट करना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में या नहीं करना वो तो एक सेपरेट इशू है, परंतु जो मेन इशू है एक आम आदमी क्या समझता है, जो इस बेल एप्लीकेशन को डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, आम आदमी के पास क्या मैसेज गया। हर आम आदमी इसको पॉलिटिकल डिसीजन मानता है और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो लोगों को समझ में नहीं आया। तो जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, लोगों को दिखना भी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं हुआ। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस बारे में, प्लीज कमेंट्स में बताइए।